गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, एंड दिस न्यूमेरिकल आई हैव टेकन फ्रॉम क्लास 9th, चैप्टर 9th, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल। एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र, एंड फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड द वीडियो एंड सी द न्यूमेरिकल, ताकि अगर इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं जो बेसिकली इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड हैं और साइंटिस्ट के न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, पेपर में डेफिनेटली आएंगे। तो क्या है न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन। द न्यूमेरिकल इज ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड बाय ए बॉय इन 0.2 सेकेंड। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉय टू स्टॉप द बॉल। आई एम अगेन रिपीटिंग द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल। द न्यूमेरिकल इज ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड बाय ए बॉय इन 0.2 सेकेंड। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉय टू स्टॉप द बॉल। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो दिस इज द बॉल, दिस इज द बॉल हैविंग द मास इज से 100 ग्राम एंड इट इज मूविंग विद ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? यू से। अब इस बॉल जो कि बॉल सामने से चली आ रही है, इस बॉल को एक बच्चा हाथ से रोक लेता है और 0.2 सेकंड के अंदर, मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0.2 सेकंड में वो इस बॉल को रोक देता है। अब जब रोक देगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसका मतलब उस बॉय ने उसे रोकने के लिए एक फोर्स तो लगाया और वो उस फोर्स ने उसकी बॉल की मोशन को अपोज किया, तो वो फोर्स आपको निकालना। दोबारा देखिए क्या कह रहा है वो। एक बॉल है, दिस इज द बॉल जिसका मास आपको गिवन है कितना? 100 ग्राम। और ये बॉल एक इनिशियल वेलोसिटी यू से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे एक बच्चा खड़ा है, यहां से एक बॉल आ रही है कितनी वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकेंड से, जिसका मास है 100 ग्राम, जो चले आ रही है। तो बॉय ने हाथ से इस बॉल को रोक दिया। अब रोकने के लिए उसने क्या किया होगा? जब बॉल इधर से आ रही है, बॉय उसे रोकना चाहता है, तो इसका मतलब उसने एक फोर्स अप्लाई किया, वो फोर्स इस बॉल की मोशन को अपोज कर रहा था और t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड में उसने इसे रोक दिया। तो बताओ कि कितना फोर्स उसने अप्लाई किया? इसका मतलब जो अपोजिंग फोर्स बॉय ने हाथ से लगाया था टू स्टॉप द बॉल, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले गिवन टर्म देख लेते हैं। नाउ व्हाट इज मास ऑफ द बॉल? कितना गिवन आपको? 100 ग्राम। इसका मतलब m की वैल्यू आपको 100 ग्राम गिवन है, लेकिन इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 100 by 1000 kg। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 kg जो होता है वो आपका 1000 ग्राम के बराबर होता है। 100 ग्राम कितने के बराबर हो जाएगा? 100 by 1000 kg। अब बॉल शुरू में कितनी वेलोसिटी से चल रही थी? दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपको बताया था हम u से डिनोट करते हैं और वो है 10 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लिया उसने इसको रोकने में? दैट इज 0.2 सेकेंड। जब बॉल रुक गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बनी? नाउ व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? v से। वो बनी 0 मीटर पर सेकेंड। तो वो कह रहा है कि बताओ कि कितना फोर्स
अप्लाई किया गया, एफ निकालना है इसको। मैं कहता हूं एफ अमाउंट का फोर्स उसने अप्लाई किया, तो एफ आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू दी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम बात करें तो व्हाट इज एफ? दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। नाउ अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? यू नो दैट वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये हम इक्वेशन पढ़ चुके हैं। नाउ व्हाट इज वी? दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज यू? दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज ए? दैट इज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें, v माइनस यू अपॉन टी। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर वन, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर वन रखे, तो f कम्स आउट टू बी मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? v माइनस यू बाय टी। तो फोर्स निकालेंगे। नाउ व्हाट इज m? दैट इज 100 बाय 1000 kg. Now what is v? That is the final velocity, 0 meter per second. Now what is u? That is the initial velocity, 10 meter per second divided by time कितना है? 0.2 second. तो f comes out to be, अगर आप यहां से निकालेंगे तो 100 से ये 10 गया आपके पास। Now कितना आया? 1 by 10 into माइनस 10 बाय 0.2, ये आ गया आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो यहां से f मैं निकालने जा रहा हूं, देखें। नाउ व्हाट इज f? 10 से 10 कट गया तो ये ऊपर जाएगा माइनस 10 बाय 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, तो ये कट गया। तो f की वैल्यू आ गई माइनस 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। नाउ व्हाट इज 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर? दैट इज 1 न्यूटन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स व्हिच इज टू बी अप्लाइड बाय द बॉल, अप्लाइड बाय द बॉय टू स्टॉप द बॉल? दैट इज 5 न्यूटन। नाउ व्हाट इज द माइनस साइन इंडिकेट? माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स बॉय ने उस बॉल को स्टॉप करने के लिए लगाया वो फोर्स उस मोशन को अपोज कर रहा था। द फोर्स दैट इज एग्जर्टेड बाय द बॉय ऑन द बॉल, दैट फोर्स अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मींस अगर बॉल ऐसे आ रही है तो फोर्स की डायरेक्शन ये थी। तो कितना फोर्स उसने अप्लाई किया? 5 न्यूटन। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये पूछ लिए जाते हैं। आपको करने में, अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड द वीडियो एंड सी द न्यूमेरिकल, ताकि अगर ये पेपर में पूछा जाता है तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। सो एट लास्ट माई डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माई वर्क, लाइक माई एफर्ट, लाइक माई चैनल, देन प्लीज डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। माई चैनल इज PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। My channel is PEC Academy Kurukshetra. धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय गुरुजी।